हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम HURL से रिलेटेड जिन जिन कैंडिडेट का जो भी कंफ्यूजन है, जैसे कि रिजल्ट कब आउट होगा और किन किन कैंडिडेट को मेल आ रहा है और मेल कैसे रिप्लाई करना है, उससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, तो आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और फ्रेंड, एक बात, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी डिप्लोमा, ITI तथा BTEC की जो भी लेटेस्ट वैकेंसी है उसका इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। और उसके साथ ही फ्रेंड, जो भी इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे डिप्लोमा एक्सपीरियंस होल्डर हों या फ्रेशर, वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वीडियो भी आती है, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप फ्रेशर हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो हम वीडियो में आगे बात करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो कैंडिडेट अभी इस कन्फ्यूजन में है कि इसका भी आंसर किया आएगा, रिजल्ट आएगा, तो अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें, क्योंकि HURL ने अपना रिजल्ट आउट कर रखा है, वो बस सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही मेल कर रहा है। और उससे रिलेटेड अगर आप इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाएं, तो फ्रेंड आप यहाँ इसके दूसरे और चौथे पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए, जिसमें इन्होंने ये साफ मेंशन कर रखा है कि इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको सेपरेटली मेल के द्वारा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसकी एक अलग से मेरिट बनाई जाएगी, और उस मेरिट के आधार पर उन कैंडिडेटों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो भी ट्रेड टेस्ट में फाइनल पास होंगे उनका ये फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेंगे और अपने वेबसाइट पे उसका मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। यानी तक कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक इनके ऑफिशियल साइट पे कोई अपडेट नहीं होने वाला है। यानी जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको बाय मेल यानी सेपरेटली मेल द्वारा ही इनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं किन किन कैंडिडेट को ये मेल आ रहा है। तो फ्रेंड, जैसे कि इनके एडवर्टाइजिंग में सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा गया है कि ये बस सेलेक्टेड कैंडिडेट को सेपरेटली मेल के द्वारा इन्फॉर्म करेंगे, तो फ्रेंड यही हुआ है, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट को मेल किए हैं, जिसमें कि 28 सितंबर को फ्रेशर कैंडिडेट को तथा 1 अक्टूबर को एक्सपीरियंस होल्डर जो भी कैंडिडेट थे उनको मेल किया गया था। तो फ्रेंड, जो पहला मेल आया था उसमें कैंडिडेट को फ्रेशर कैंडिडेट के लिए उन्होंने हाई स्कूल इंटर डिप्लोमा और मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा था, और उसके साथ ही जो एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट हाई स्कूल के मार्कशीट, डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर यानी जहाँ जहाँ उन्होंने काम कर रखा है उसका अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी एनेक्सर मांग रखा था फ्रेंड, और इसके साथ फ्रेंड एक्सपीरियंस लेटर, लिविंग लेटर एंड ज्वाइनिंग लेटर भी मांग रखा था, तथा साथ ही जहाँ पर उनका इस समय करंट कंपनी में वर्क कर रहे हैं वहाँ का 3 मंथ सैलरी स्लिप मांग रखा है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं जो HURL की तरफ से दूसरा मेल आया है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है और इसमें कैंडिडेट क्या गलती कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि उन्होंने मेल किया था उसमें CV और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मांगा गया है, और ये जो दूसरा मेल है फ्रेंड ये अभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं आ रहा है, अभी ये एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट को ही भेजा जा रहा है, और ये आया है फ्रेंड 6 तारीख को, और इसको भेजने का आज ही लास्ट डेट है। इन्होंने 2 दिन तक का टाइम दिया था कि 2 दिन के अंदर आप अपने ये सब CV और एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच करके रिप्लाई करें। तो फ्रेंड, इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं कि कुछ कैंडिडेट जो भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इसको मेल को भेजने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और साथ ही फ्रेशर वालों को मैं ये बात जरूर कहूँगा, अगर फ्रेशर वालों के पास अगर ये मेल आता है तो इसको अच्छी तरह से देखें और इस मेल को अच्छी तरह से भेजें, क्योंकि फ्रेंड यहाँ आप देख रहे होंगे इन्होंने क्या कर रखा है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे इन्होंने सबको ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर एक ही साथ मेल किया हुआ है। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं कि इस मेल को कैसे आपको रिप्लाई करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर भी कैंडिडेट कुछ तो गलती कर चुके हैं, और आई थिंक जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो इस गलती को ना कर पाएँ, उसके लिए आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है कि आप ये गलती ना करें जिससे कि आपका पर्सनल डाटा किसी और के पास शेयर हो जाए। तो अगर इस तरह का आपके पास मेल आता है, अगर सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट थे तो आपको यहाँ पे रिप्लाई ऑल करेंगे, जैसे कि आपको करके दिखाते हैं, जैसे आप यहाँ पे रिप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडिडेट है उसके पास आपका मेल जाएगा, जैसे कि आप रिप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर एक बार ज़रूर देख लें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधे अगर आप रिप्लाई ऑल करते हैं, जैसे फ्रेंड अगर आप यहाँ पर रिप्लाई ऑल कर देते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि जितने कैंडिडेट इस लिस्ट में हैं ये सबके पास ईमेल आपका चला जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड आप इसको ना तो रिप्लाई ऑल करिए, आपको सिंपल मैं मेथड बता रहा हूँ क्या करना है, आप यहाँ पर जो एरो देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो NIE का रिक्वायरमेंट है, HURL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद आप यहाँ अपना जो भी लिखना है, डियर सर मैम प्लीज़ फाइंड द पेज माई डॉक्यूमेंट, या जो भी आपको
अच्छा लगे वो शब्द आप लिख कर यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से अटैच करके, अटैच फाइल में जाकर अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके यहाँ पर सेंड कर दीजिए। तो फ्रेंड आप ये गलती ना करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं जो गलती कर चुके हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही कहना था कि एचयूआरएल की तरफ से जो भी मेल आ रहा है उसका रिप्लाई जरूर करिए, तथा इस कन्फ्यूजन में ना रहें कभी एचयूआरएल का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट अभी भी हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि अभी इसका आंसर किया आएगा, रिजल्ट आएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इन्होंने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको मेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, अब इनका जब टेस्ट के बाद फाइनल लिस्ट ही वेबसाइट पर अपडेट होगा। फ्रेंड अगर ये वीडियो को अच्छा लगा हो तो इस तरह का और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएँ। धन्यवाद।